इस वीडियो में हम बात करेंगे लार्सन ट्रूबो के फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के क्वार्टर वन के रिजल्ट के बारे में, जो जून क्वार्टर का रिजल्ट है, साथ साथ इसके शेयर प्राइस के चार्ट की भी बात करेंगे। चार्ट पे आपको शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना चाहिए, अगर बाय करना चाहिए तो क्या स्टॉप लॉस होगा और टारगेट क्या होगा। साथ ही साथ लॉन्ग टर्म की भी बात करेंगे, लॉन्ग टर्म में ये शेयर कैसा परफॉर्मेंस कर सकता है और लॉन्ग टर्म का टारगेट क्या होगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ रेवेन्यू का। तो रेवेन्यू जो इस स्टॉक का है वो मिलियन में है, तो मिलियन को हम क्या करते हैं, 10 से डिवाइड करते हैं। जब आप 10 से डिवाइड कर देते हैं तो वो आपको रेवेन्यू मिलता है करोड़ में। तो ये जो रेवेन्यू है, टोटल इनकम है, वो मिलियन में है, तो इसको 10 से डिवाइड कर दिए तो पहला जो जून क्वार्टर 2021 है उसका रेवेन्यू आपको टोटल आ जाएगा 584 करोड़ हो गया। वहीं बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस, तो पिछले साल के जून क्वार्टर में था 3015 करोड़, तो यहां से काफ़ी ज़्यादा जंप देखने मिला है, 500 से भी ज़्यादा का जंप है टोटल इनकम में। लेकिन वहीं बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, पिछले क्वार्टर में था 3372 करोड़, तब पिछले क्वार्टर के कंपेयर में भी रेवेन्यू में इंक्रीज हुआ है, मतलब टोटल इनकम में इंक्रीज हुआ है। वहीं बात करें टोटल एक्सपेंस का, तो टोटल एक्सपेंस जो है इस क्वार्टर में रहा है 2912 करोड़, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपेयर करें पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर के जून क्वार्टर से तो था 2456 करोड़, तो यहाँ पर टोटल एक्सपेंस भी इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। वहीं बात करें पिछले क्वार्टर का, तो जो एक्सपेंस था वो था 2655 करोड़, तो यहाँ पर भी एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है, तो कंपनी का टोटल इनकम इंक्रीज हुआ है, एक्सपेंस भी इंक्रीज हुआ है। अब बात करते हैं कंपनी के जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है और जो टोटल प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। तो प्रॉफिट भी कंपनी का यहां पर देख सकते हैं हो चुका है 672 करोड़, क्योंकि एक डिजिट यहां पर गायब कर देंगे। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पिछले साल के जून क्वार्टर से कंपेयर करें, 558 करोड़ था, तो काफ़ी जंप देखने मिल रहा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और यहीं पर बात करें पिछले क्वार्टर का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 716 करोड़, तो यहां पर देखिए यहां पर गिरावट देखने मिला है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो यहां पर आपको ROCE भी गिरा हुआ दिखेगा। ROCE क्या है आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में, चैनल पर जाइए उस वीडियो को देखिए, ROCE क्या है, ROE क्या है। अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट का, तो नेट प्रॉफिट जो है कंपनी का आफ्टर टैक्स वह है 496 करोड़ का। वहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपेयर करें तो पिछले साल के जून क्वार्टर में था 416 करोड़, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस नेट प्रॉफिट में काफ़ी जंप देखने मिला है। और वहीं बात करें पिछले क्वार्टर कंपेयर में, पिछले क्वार्टर में था 545 करोड़, तो पिछले क्वार्टर के कंपेयर में भी नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने मिला, ईयर ऑन ईयर बेसिस जंप किया है नेट प्रॉफिट, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस गिरावट देखने मिला है। तो यहाँ पर आपको रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो आपको गिरा हुआ दिखेगा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो भी गिरा हुआ दिखेगा। तो ये चीज़ें हैं जो रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बात करते हैं अर्निंग पर शेयर का, जो कि हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देखिए अर्निंग पर शेयर 28.40 रुपीज़ अर्निंग पर शेयर रहा है इस क्वार्टर में। अगर पिछले साल के क्वार्टर जून क्वार्टर से कंपेयर करें तो 23.92 रुपीज़ था, तो यहाँ पर काफ़ी जंप हुआ है, 4 रुपीज़ से भी ज़्यादा का जंप है अर्निंग पर शेयर में ईयर ऑन ईयर बेसिस। लेकिन अगर बात करें हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, तो मार्च क्वार्टर में था 31.22 रुपीज़, तो यहाँ पर लगभग देख सकते हैं 2 रुपीज़ समथिंग पैसा का यहाँ पर डिक्रीज देखने मिला है। तो अर्निंग पर शेयर में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में डिक्रीज हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेसिस इंक्रीज हुआ है। तो हर चीज़ नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर क्वार्टर बेसिस पे डिक्रीज हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेसिस इंक्रीज हुआ है। तो इसका क्या इफेक्ट होगा शेयर के प्राइस पर, अब वो हम देख लेते हैं। अब बात करें यहाँ पर डिविडेंड का, तो एक स्पेशल डिविडेंड जो है 10 रुपीज़ पर शेयर का डिक्लेयर किया गया है, और वहीं शेयर का जो फेस वैल्यू है ₹1 है, और 1 रुपी फेस वैल्यू वाले शेयर पर प्रत्येक शेयर पे आपके आपको 10 रुपीज़ डिविडेंड दिया जाएगा। अगर 100 शेयर है तो आपको 1000 रुपीज़ डिविडेंड के रूप में मिलेगा। अब बात करते हैं कंपनी के शेयर प्राइस के चार्ट का, तो शेयर प्राइस का चार्ट काफ़ी सॉलिड रहा है। यहाँ पर देखिए ये अभी जो करेंट प्राइस है, अगर ये यहाँ से 4585 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट होगा, और उस ज़बरदस्त ब्रेकआउट पर आप इसको बाय कर सकते हैं विथ स्टॉप लॉस ऑफ 3994 रुपीज़ के नीचे क्लोजिंग। अगर इसके क्लोजिंग देता है, मतलब 4000 के नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो आपको स्टॉप लॉस अपना ले लेना चाहिए। लेकिन रिजल्ट क्या कहता है,
मार्केट का एस्टिमेट क्या था, जो बड़े बड़े एक्सपर्ट है वो क्या एस्टिमेट लगा रखे थे, अगर उस एस्टिमेट को बीट करता है तभी तेजी देखने मिलेगा, अदरवाइज देखने नहीं मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा शेयर प्राइस का मूवमेंट क्या होता है प्राइस एक्शन के माध्यम से। लेकिन रिजल्ट के पहले देखते हैं काफ़ी तेजी था इस स्टॉक में, आईटी सेक्टर के सारे शेयर में तेजी था, लेकिन रिजल्ट के बाद ये स्टॉक किस तरह से रिएक्ट करता है अपने रिजल्ट पे ये देखना होगा, उसके बाद आप अपना पोजीशन बना सकते हैं। अब अगर बात करें हम यहाँ पर, अगर लॉन्ग टर्म के लिए कोई बाय करता है तो लॉन्ग टर्म के लिए आप बाय करते हैं किसी भी प्राइस पर, तो आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए 3500 रुपये का। 3500 के नीचे क्लोजिंग होता है तो आपको एग्जिट होना चाहिए, क्योंकि गिरावट कोई बड़ी भी हो सकती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टॉक रैली किया। देखिए यहाँ से मात्र 1300 रुपये का ये स्टॉक था, वहाँ से लगभग 4500 पे जा चुका है, तो एक बड़ा करेक्शन भी हो सकता है। तो जब करेक्शन पूरा हो जाए फिर से स्टॉक अपट्रेंड में आए तब आप वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो चार्ट है उसको देखने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। 2018 में और 2000 से ये स्टॉक गिर करके यहाँ पर आ गया था 1200 पर, तो इसलिए जो करेक्शन होता है कभी कभी काफ़ी बड़ा होता है, तो वैसे में आपको अपना स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए। स्टॉप लॉस से होता है कि आपका जो रिस्क होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। अब बात करें टारगेट का, तो जो शॉर्ट टर्म है उसमें जो टारगेट होगा यहाँ से 1000 पॉइंट का होगा। यहाँ पर अगर ये ब्रेकआउट देता है 4585 के ऊपर तो वहाँ से बस 1000 पॉइंट ले लीजिए, मतलब 5500 आपका टारगेट होना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए। और अगर वहीं लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कीजिए 5 इयर्स 10 इयर्स, निश्चित रूप से अच्छा रिटर्न मिलेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए तब हम बाय करते हैं जब गिरावट में स्टॉक मिल रहा हो, गिरावट में आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी थोड़ा बहुत आप स्टॉक ले करके रख सकते हैं क्योंकि स्टॉक ऑल टाइम हाई पे है, तो यहाँ कुछ स्टॉक रखना है, क्योंकि स्टॉक हो सकता है यहाँ से कि और ऊपर चला जाए या हो सकता है यहाँ से गिरावट भी दिखाए, तो कोई गारंटी नहीं रहता है कि स्टॉक किस डायरेक्शन में जाएगा। तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना है, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह के एजुकेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के।